स्टूडेंट, टुडे वी से लर्न अबाउट चैप्टर टू द प्लेस वैल्यू ऑफ फिजिक्स फिजिक्स पेज नंबर 25-26 सब्जेक्ट मैथ ऑफ क्लास फर्स्ट। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास फर्स्ट के पेज नंबर 25 और 26 के जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 25 पेज नंबर का एक नंबर जो क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि मैच द नंबर संख्याओं को मिलाइए विथ देयर एक्सपेंडेड फॉर्म उनके विस्तृत रूप से। ठीक है, उनके विस्तृत रूप से क्या कीजिए, संख्याओं को मिलाना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इधर नंबर दिया है, इस साइड में नंबर्स दिया है और इस साइड में इनका एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है। ठीक है, तो इन नंबर्स को क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में मैच कराना है। ठीक है, मैच कराना है यानी कि मिलान कराना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पहला नंबर जो हमारा है 96 है। क्या है, 96। 96 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा स्टूडेंट 9, 10 और देखिए यहाँ पर 9, 10 जो होगा यहाँ पर लिखा है 9, 10 and 6, 1s। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम कैसे किसी संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए 96 को हम लोग लिख सकते हैं 9, 10 and 6, 1s, 6, 1s। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पर लिखा है 9, 10s, क्या है ना 9, 10s and 6, 1s। स्टूडेंट इस प्रकार दूसरी संख्या जो दिया है स्टूडेंट 59 दिया है, 59 देखिए इस पर 59 जो है 59 को स्टूडेंट अब क्या लिख सकते हैं, 59 को हम 5, 10 और 9, 1s लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह इसमें 5, 10s यहाँ लिखा है एंड 9, 1s, 5, 10s and 9, 1s। स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इसको अब 59 को हम 5, 10s and 9, 1s में मिला देंगे। ठीक है, तीसरा जो स्टूडेंट कह रहा है कि 37 स्टूडेंट इसको हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्म जो है इसको हम देखेंगे किधर है, उसमें क्या करेंगे मैच कर देंगे। ठीक है, देखिए 37 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 3, 10, 3, 10s and 7, 1, 3, 10, 1s, 10s यानी कि 3, 10s and 7, 1s। तो 3, 10 और 7, 1 किधर लिखा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर लिखा है 3, 10s and 7, 1s। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। आगे स्टूडेंट देखिए 62 लिखा है, 62 तो 62 स्टूडेंट तो 62 में हम 6 जो होगा वो 6, 10s होगा और 2 जो होगा स्टूडेंट क्या होगा 2, 1s, क्योंकि स्टूडेंट 62 में ये 1s होता है, ये क्या होता है 10s होता है, तो ये हमारा कितना 10s हो जाएगा 6, 10s and 2, 1s। तो देखिए इस पर 6, 10s और 2, 1s इधर लिखा है, देखिए ये यहाँ लिखा है स्टूडेंट, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें मैच कर देंगे। स्टूडेंट इस प्रकार इसमें 3 क्वेश्चन देखिए नीचे और है, आप लोग इसी प्रकार इन नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म इसमें आप लोग देखिएगा किधर लिखा है और इसको आप लोग खुद से 3 संख्याओं को खुद से मिलाइएगा 74, 45 और 83। स्टूडेंट इसमें इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है, ये तीनों संख्याओं को आप लोग अपने से मैच कीजिएगा। और आगे स्टूडेंट जो जी नंबर क्वेश्चन है उसको हम आप लोगों को समझा रहे हैं, आगे देखिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जी नंबर जो क्वेश्चन है, राइट द टेंस एंड वंस इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट कह रहा है कि राइट हमने लिखिए द टेंस, टेंस एंड वंस, जो टेंस और वंस किया गया स्टूडेंट इसको क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि
छोटा रूप में संक्षिप्त रूप में से क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है फोर टेंस। फोर टेंस का मतलब स्टूडेंट होता है 40। क्या होता है? फोर टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट 40, और 9 months का मतलब स्टूडेंट होता है 9। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोर टेंस का मतलब क्या होता है 40, और 9 months का मतलब स्टूडेंट होता है 9। तो स्टूडेंट इसको हम लोग क्या कर रहा है, इनको संक्षिप्त रूप में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, छोटा रूप में लिख रहा है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों को चारों तरफ यहाँ पर लिख देंगे। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 40 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 49। इस प्रकार हम यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हैं 49। आगे देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि टू टेंस का मतलब स्टूडेंट होता है 20। टू टेंस का मतलब 20, और 7 months का मतलब स्टूडेंट होता है 7। इस प्रकार स्टूडेंट हम इसको 20 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 27। इस प्रकार हम यहाँ पर 27 लिख देंगे, ठीक है। आगे एक और देख लीजिए, फोर टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट 40, और प्लस 5 months का मतलब होता है 5। स्टूडेंट इस प्रकार हम लोग अगर 40 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होता है 45। इस प्रकार हम यहाँ पर 45 लिख देंगे। और आगे स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आ गया इसमें, इसे आप लोग खुद से कीजिएगा ताकि आप लोगों को करने का अभ्यास हो। स्टूडेंट आज का जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।